डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान करीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन आपको बता दें कि 18 जुलाई 2022 का दिन पूरे परभनी शहर में ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के नाम रहा। दिन भर ओबीसी आरक्षण इस हक़ की लड़ाई को लेकर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पूरे परभनी ज़िले से ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी गट में आने वाले लोगों ने आज परभनी शहर के शनिवार बाज़ार, यहां से ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चा जो रखा गया था, इस मोर्चे की शुरुआत शनिवार बाज़ार से हुई। वहां से शनिवार बाज़ार से लेकर परभनी शहर के जंतर मंतर जो पोषण ग्राउंड है, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर, कलेक्टर ऑफिस के सामने, वहां तक ये मोर्चा आया। और इस मोर्चे में पूरे मोर्चे से जो आवाज़ें उठ रही थी ओबीसी आरक्षण बचाओ को लेकर और जो नारे लगाए जा रहे थे, जो ओबीसी की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, ऐसे तमाम नारों से पूरा परभनी शहर गूंज उठा था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 18 जुलाई 2022 को परभनी शहर में जो एक आंदोलन की शुरुआत हुई है और परभनी ज़िले को एक आंदोलन का ज़िला माना जाता है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन निकले हैं जो कामयाब भी हुए हैं। 18 जुलाई को ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के तले एक आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें ओबीसी आरक्षण को वापस दिलवाया जाए, ये अहम मांग, ओबीसी आरक्षण को पहले की तरह कायम रखने की सबसे अहम मांग रखी गई। तो उसी के साथ ओबीसी आरक्षण दोबारा लागू होने तक स्थानीय स्वराज संस्था चुनाव पर रोक लगाई जाए, ये दूसरी मांग। और तीसरी अहम मांग, ओबीसी की जाति निहाय जनगणना की जाए। और चौथी अहम मांग, मंडल आयोग की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। इन चार अहम मांगों को लेकर हज़ारों की तादाद में पूरे परभनी ज़िले से ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हर ज़ात मज़हब समाज के मानने वाले लोग हज़ारों की तादाद में परभनी शहर में उमड़ चुके थे और ओबीसी आरक्षण बचाओ और अपनी मांगों के नारों को लेकर पूरा परभनी शहर गूंज उठा था। वहीं आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में ऑल पार्टी के नेता मौजूद थे, जिसमें ये आंदोलन किसी तरह किसी धर्म के नाम पर नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तौर पर इसको खड़ा किया गया। 18 जुलाई के आंदोलन की अध्यक्षता परभनी महानगर पालिका के साबेखा उप महापौर भगवान रावजी वाघमारे, इनके हाथों में अध्यक्षता थी, इनकी अध्यक्षता में ये पूरा आंदोलन हुआ और उन्हीं के साथ में ऑल पार्टी नेता भी मौजूद थे। 18 जुलाई 2022 ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चा, इस भव्य मोर्चे का जो आज आयोजन किया गया था परभनी से, ये एक आंदोलन खड़ा किया गया है और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में तब तक जारी रहेगा जब तक ओबीसी आरक्षण दोबारा से लागू नहीं किया जाता। आपको बता दें कि परभनी का जो ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसमें जो सदस्य है साबेखा उप महापौर भगवान रावजी वाघमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साबेखा ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट सोरा सिंह परिहार, ज़िला परिषद के साबेखा सदस्य नाना साहब राउत, शेतकरी कामगार पक्ष के ज़िला अध्यक्ष कीर्ति कुमार बोरांडे, साबेखा आमदार रामराव वड़कुते, कॉमरेड राजन सिरसागर, राष्ट्रवादी कांग्रेस
पार्टी ग्रामीण कार्य अध्यक्ष प्राचार्य किरण सोनटक के और उन्हीं के साथ में राम प्रभु मुंडे, रबदड़े मामा, संतोष मुरकुटे, साबेखा सभापति विशाल बुधवन, साबेखा कॉरपोरेटर मोइन मौली, सीनियर नेता लियाकत अंसारी, गंगाखेड़ से आए हुए राजा भाव फड़, उन्हीं के साथ में डॉक्टर धर्मराज चौहान, शी ब्रदरी के अलीम कुरैशी, अब्दुल रहमान उर्फ माइकल, फारूख ओबीसी और उन्हीं के साथ में महिलाओं की भी बड़ी तादाद आज के इस मोर्चे में नज़र आई, जिसमें नंदा राठौड़, साधना राठौड़ और पूरे परभणी ज़िले से और हर तालुके से आई हुई सैकड़ों की तादाद में महिलाएं ओबीसी आरक्षण बचाओ इस मोर्चे में मौजूद थी। तो वहीं आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष साबिखा उपमहापौर भगवान राव वाघमारे, जो के अध्यक्ष थे आज के इस मोर्चे के, उन्होंने जब तक ओबीसी आरक्षण दोबारा लागू नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा और परभणी से ये आंदोलन शुरू होकर पूरे महाराष्ट्र में जारी रहेगा, ऐसा अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है। आता अनेक वक्त्यांनी सांगितलं की हा जिल्हा क्रांतिकारी आणि अतिशय आंदोलन करणारा जिल्हा म्हणून महाराष्ट्र ओळखला जातो। या ठिकाणी अनेक आंदोलन यशस्वी झालेले, भविष्यामध्ये या देशामध्ये या राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी आपल्याला असे आंदोलन करायची वेळ आली तर परभणी शिवाय इतर राज्यामध्ये सुद्धा किंवा इतर आता जसं शेतकऱ्यांचं आंदोलन होतं, केंद्र सरकारनं वापस घेतलं, अग्निपथचं आंदोलन होतं, ज्यावेळेस मोठा प्रतिकार होतो त्याचवेळेस ते आंदोलन मागे घेतलं जात आहे। जनरली छोटा मोठा विरोध करून ते आंदोलन केलं तर त्याच्यापुढे विचार करत नाही। म्हणून माझी सर्वांना विनंती, आता ओबीसीमध्ये येणाऱ्या मायक्रो त्याच्यापेक्षाही लहान जातीच्या आहेत त्या लोकांना, बऱ्याच लोकांना आणि जेव्हा फिरलो आता वेगवेगळ्या जातीचं सर अध्यक्षांनी भेटावं लागलं, त्यांना काही माहीत नाही आपलं आरक्षण कमी व्हायला का उठलं सकाळी की कामाला जाणार समाज आहे। आज या ठिकाणी पावसाचं एवढं मोठ्या प्रमाणात वातावरण झाला असं आम्हाला भविष्यकाळामध्ये मंडळ आयोगाच्या शिफारशी पूर्ण लागू झाल्या पाहिजे। त्याच्यापैकी एक आपली ही मागणी आहे, चार मागण्या आहेत। ओबीसीचं आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे, ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका होऊ नये, कारण तुम्हाला सांगतो 1992 नंतर जेवढ्याच लोकांना आरक्षणच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत असो, पंचायत समिती असो, जिल्हा परिषद असो किंवा महानगरपालिका असो, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकांना निवडून दिल्यामुळं आणि त्या लोकांना आपले मतं त्या सभागृहात मांडल्यामुळं काहीतरी निकाली आपल्या विषय लागलेले भविष्यात मित्र आता 400-500 जागा या राज्यांमधलं सरकार रिझर्वेशन लागू झालं नाही तर त्या ठिकाणी ओबीसीचं प्रतिनिधित्व करणारा एक सुद्धा माणूस जाणार नाही। आणि जोपर्यंत तुम्ही सभागृह केला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी आता आरक्षण गरज आहे, आरक्षणाशिवाय आपली प्रगती होणं शक्य नाही। आता हे राजकीय आरक्षण कट केलं, भविष्यामध्ये शैक्षणिक आरक्षण कट होईल, नंतर सामाजिक आरक्षण कट होईल आणि अशा प्रकारच्या आंदोलनाला आपल्याला नेहमी तत्पर राहण्याच्या दृष्टीनं आज ओबीसी समाजातील जे मान्यवर असतील हे अतिशय महत्वाचे, सगळ्यांचं नाव घेणं शक्य नाही। जे काही नावं शक्य झाले ते पावसानं जवळपास 3 तास खराब केलेले आणि आता काही मिनिटातच आपल्याला जिल्हाधिकारी साहेबांना हे निवेदन द्यायचं, ह्या याच्या अगोदरच्या अनेक वक्त्यांनी ओबीसीच्या संदर्भात आपल्या समस्या सगळ्या पुढे मांडलेल्या आहेत। मी शेवटला एकच विनंती करतो की ह्या ज्या 4 मागण्या आहेत त्या 4 मागण्या मान्य झाल्याशिवाय ओबीसी समाजाचं कल्याण होणारच नाही आणि ते कल्याण होण्याकरता आपल्या सगळ्याला तत्पर राहावं लागेल, अशा प्रकारची मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो। आणि तुम्ही जे पाण्या पावसात इथं आलात तुम्हाला परत एकदा विनंती करतो की तुमचे आभार मानतो आणि सांगतो, राज्य शासनाकडून असो की केंद्र सरकारकडून असो ओबीसी समाजावर फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे। उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर कालच्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या 465 जागा ओबीसी समाजाच्या त्या ठिकाणी कमी झालेल्या आहेत।
आणि 27% आरक्षण जे पूर्ववत चालू करावं आणि आता चार मागण्या ज्या सांगितल्या किंवा जनगणना झाली पाहिजे, मंडल आयोगाच्या पूर्ण आयोग लागू केला पाहिजे 100%, ओबीसीचं आरक्षण 27% कायम पहिल्यासारखं ठेवलं पाहिजे आणि आरक्षण पूर्ण 27% होईपर्यंत कुठल्याही निवडणुका घेतल्या नाही पाहिजे, त्या प्रमुख चार मागण्याकरता जिल्ह्याच्या लेवलवर आज हे आंदोलन होत होतं आणि त्या आंदोलनाच्या वतीनं आज आम्ही सगळ्यांच्या वतीनं सर्व पक्षीय होतं, त्या समितीमध्ये पर्टिक्युलर एखाद्या पक्षाचा नव्हता, आम्ही कृती समितीची जी त्यात कुठल्याही पक्षाचा संबंध नव्हता, त्यामुळं हे आंदोलन यशस्वी झालेलं आहे आणि हे आंदोलनाच्या प्रती आम्ही आता जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत महाराष्ट्र शासनाला आणि केंद्र शासनाला पाठविण्याचा आग्रह केला आहे. ओबीसीच्या आरक्षणावरती जे काही घाला घातलेला आहे आणि गेल्या 7 ते 8 महिन्यापासून आपण बघितलं, राज्यकर्ते मग सत्ताधारी असतील किंवा विरोधी पक्ष असतील आणि न्यायालय असेल, ह्यांच्याकडून 7-8 महिन्यामध्ये ठोस असं आमच्या काही हाताला काही लागलं नाही. आणि आत्ताचा जो काही विषय आहे, माटी आयोगाने जे काही अहवाल पर्सेंटेज सादर केलेला आहे, त्याच्यातून आम्हाला असं वाटतं की जरी ओबीसीला आरक्षण मिळालं तरी मलमपट्टी केल्यासारखं होईल आणि अतिशय कमी प्रमाणामध्ये होईल, त्यामुळं आम्ही त्याच्यावरती समाधानी असणार नाहीत. या ठिकाणी 37% जर समजा तुम्ही लोकसंख्येत दाखविली असेल ओबीसीची, तर आरक्षण किती टक्के नेमकं देणार आहात हा या ठिकाणी प्रश्न निर्माण झालेला आहे. खरं तर हे जे आजचं आंदोलन होतं हे बाटी आयोगाने अहवाल सादर करायच्या आधीच आमचा निर्णय झाला होता की आता आमचा वाली कोणताच पक्ष राहिला नाही, आता आमची आरक्षणाची लढाई ही आम्हालाच लढावी लागणार आहे, म्हणून श्री आम्ही परभणी जिल्ह्यातील सगळ्या पक्षाच्या असतील किंवा सगळ्या समाजातील मायक्रो ओबीसीपर्यंत आम्ही गेलो, सगळ्या नेत्यांना एकत्र केलं आणि या ठिकाणी परभणी जिल्ह्याच्या कलेक्टर कचेरीवरती आज भव्य स्वरूपामध्ये मोर्चाच्याद्वारे आम्ही या ठिकाणी धडकलेलो आहोत. आमची फक्त एवढीच विनंती आहे की ह्या ज्या काही चार मागण्यात त्या पूर्ण झाल्याशिवाय आता ही लढाई थांबणार नाही. आम्ही परभणीमध्ये या ठिकाणी ठिणगी टाकण्याचं काम केलेलं आहे आणि परभणीच्या ताकद बघून, परभणीचा मोर्चा बघून संबंध महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात मोर्चे निघावेत आणि त्याच्यातून शासन त्या ठिकाणी नमावं अशा प्रकारची आमची या ठिकाणी अपेक्षा आहे. आम्ही केलेल्या प्रयत्नाला आम्ही महिनाभर जे काही परभणी जिल्ह्यात प्रयत्न केले त्याला मोठ्या प्रमाणात आम्हाला यश आलेलं आहे आणि ओबीसी बांधवानं मोठ्या प्रमाणात आम्हाला या मोर्चाला प्रतिसाद दिल्यामुळं आम्ही या ठिकाणी त्या सगळ्या ओबीसी बांधवाचे पण ऋणी आहोत. या मोर्चा मागचा उद्देश आमचा एकच होता की बाटे आयोगाने जे बसून घरी बसून एक सर्वे केला, त्या सर्वेमध्ये एकाच आडनावाचे अनेक जातीमध्ये लोक असू शकतात, तर तो काही आम्हाला डेटा मान्य नाही. त्या डेटामध्ये परभणी जिल्ह्याची लोकसंख्या ओबीसीची फक्त 37% दाखवलेली आहे ऑलवर, आणि जर 1932 मध्ये ती संख्या जर 52% होती तर 2022 ती निश्चित 70-72% झाली पाहिजे, ती कमी कशी झाली. आणि हा जो त्यांनी आता डेटा सबमिट केलेला आहे त्या हिशोबाने आता आमचं 27% जे आरक्षण आहे ते निश्चित कमी होऊन 12-15% होईल अशी आम्हाला भीती असल्यामुळे आज आम्ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोर्चा काढलेला आहे. आणि जर आता आमची ही मागणी इथून जर मान्य नाही झाली तर आम्ही मुंबईच्या मंत्रालयावर करोडोच्या संख्येने ओबीसी एकत्र येऊ आणि इतके वर्षीच्यापेक्षा मोठी संख्या आणि याच्यापेक्षा मोठी एकी आम्ही दाखवून देऊ. ओबीसीच्या मागणीच्या संदर्भामध्ये परभणी जिल्ह्याच्या एक महामोर्चा या ठिकाणी काढलेला आहे. आमची प्रमुख मागणी आहे की या ठिकाणचं आमचं 27% आरक्षण कमी झालं नाही पाहिजे, तोपर्यंत रिझर्वेशन कायम होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेतल्या नाही पाहिजे. ओबीसीची जातगणना ही गाव पातळीवर जाऊन घराघरापर्यंत केली पाहिजे अशी आमची या ठिकाणची मागणी आहे आणि या मागणीसाठी या ठिकाणी आम्ही आज सातत्याने आपल्या समाजाला मान्य होत असते, महाराष्ट्राच्या लोकांवर ओबीसी लोकांवरच काय अन्याय होतो, का असं आमच्या ओबीसी लोकांनाच काय असं डावलला जातो. मला एवढंच सांगायचं या ठिकाणी की सातत्याने जो ओबीसी समाजावर अन्याय करतो, कोणताही सरकार असो, सरकार येतो जातो पुन्हा जातो पुन्हा येतो, त्याच्याशी आपल्याला घेणं देणं नाहीये. राजकीय आरक्षण असो, समाज राजकीय आरक्षण असो, त्या शैक्षणिक आरक्षण असो, या सरकारी नोकरीतलं आरक्षण असो, हा आरक्षण आपल्या हक्काचा आहे, बाबासाहेब आंबेडकर हक्काचा आहे, या सरकाराच्या बापाचं नाहीये. आणि आरक्षण आपल्या या समाजावर समाजावर अन्याय आपण होऊ देणार नाही, अन्याय आम्ही सहन आता करणार नाही, कारण माझा ओबीसी समाजात जागे झालेला आहे. आज माझ्या ओबीसी समाजाला सुख आणि दुःख कळायला लागलेला आहे. आज आम्ही 15 वर्षाखाली एक धनगर समाजाच्या मुलं कार्यकर्त्यांनी 15 ऑगस्टला उपोषणला बसले होते आणि त्यावेळेस कोणत्या पक्षाचा पालकमंत्री होता मी ते सांगू शकत नाही, पण तो पालकमंत्री राहते आरक्षणाच्या वेळेस आरक्षणासाठी बसले होते आणि त्या पालकमंत्र्याच्या गाडीवर चप्पल फेकून जाणाऱ्या धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मारले होते. तसं याही या काळामध्ये आमचं
जर आरक्षण आम्हाला नाही दिलं तर या परभणीमध्ये कोणताही मंत्री कोणी भी त्यांच्या तोंडाला आम्ही काळं फासल्याशी आहे। हा ओबीसी समाज बसणार नाही। ज्याचं हित मला बोलायची संधी दिली हे पर्याय साहेबांच्या आणि वाघमारे साहेबांच्या मनापासून धन्यवाद मानते आणि माझे दोन शब्द संपते। नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी शहर में अगर आप बैंक में जा रहे हैं और कैश निकालने जा रहे हैं तो सावधानी ज़रूर बरतिए, क्योंकि भरी दोपहरी में गुज़िश्ता 16 जुलाई की घटना है। परभनी शहर के एक बैंक से दोपहर के वक्त परभनी शहर के एक मशहूर कारोबारी ने 1,15,000 रुपये कैश निकाला था। उनका ये कैश बसमत रोड पर स्थित बड़ौदा बैंक से लेकर शनि मंदिर इसके दरमियान में चोरी कर लिए गए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1,15,000 कैश की चोरी की घटना गुज़िश्ता 16 जुलाई की दोपहर की बताई जा रही है। परभनी शहर के मशहूर व्यापारी सूरजमल लाखरा, इन्होंने 1,15,000 रुपये कैश बैंक से निकाला था। जैसे ही सूरजमल लाखरा बड़ौदा बैंक जो बसमत रोड पर स्थित है वहां से 1,15,000 रुपये का कैश निकालकर अपने टू व्हीलर की डिक्की में रख कर उसे लॉक कर दिया और वहां से वो सीधा शनि मंदिर यहां पर पहुंचे। इसी दरमियान चोरों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी की डिक्की में से 1,15,000 रुपये का कैश चुराने में कामयाब हो गए। घटना 16 जुलाई की दोपहर की बताई जा रही है। इस घटना की कंप्लेन, चोरी की घटना की कंप्लेन परभनी शहर के नानालपेट पुलिस स्टेशन में कर दी गई है और नानालपेट पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। NMC वेदना मुक्त केंद्र मातोश्री चंद्रभागा कॉम्प्लेक्स खानापुर फाटा सावली रेस्ट हाउस परभनी। NMC वेदना मुक्त केंद्र बदन में हर किस्म की तकलीफ़ और दर्द से 10 से 15 मिनट में छुटकारा पाने का एक वाहिद मरकज़ मातोश्री चंद्रभागा कॉम्प्लेक्स खानापुर फाटा सावली रेस्ट हाउस के बाजू में बसमत रोड। पिछले 5 कैंप की कामयाबी के बाद फिर एक बार मज़ीद 3 दिनों के लिए कैंप को बढ़ा दिया गया है। 19 जुलाई 20 जुलाई और 21 जुलाई 3 दिनों तक के लिए वेदना मुक्त केंद्र NMC को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मशहूर मरूफ एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी कैंप के डॉक्टर SH भोसले, इनके जादुई टच से बदन में पुराने से पुराना दर्द 10 से 15 मिनट में गायब हो जाता है। परभनी शहर और परभनी ज़िले के लोगों के लिए एक सुनहरा मौका, 3 दिनों के लिए कैंप को बढ़ा दिया गया है। NMC वेदना मुक्त केंद्र में आकर जिन लोगों ने अपने पुराने से पुराने दर्द से छुटकारा पाया है, जिन्हें राहत मिली है, उन लोगों की ज़बानी खुद सुनिए कि उन्हें किस तरह दर्द से 10 से 15 मिनट में आराम मिला है। तो जल्दी कीजिए, 3 दिनों के लिए इस कैंप को बढ़ाया गया है। आप इसमें ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसी के साथ दूसरा मोबाइल नंबर जिसका नंबर है 9563638786 और दूसरा नंबर 8605073797 है। तो जल्दी कीजिए, 3 दिनों के लिए NMC वेदना मुक्त केंद्र के इस कैंप को
तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 19 जुलाई 20 जुलाई 21 जुलाई मशहूर मारूफ एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी कैंप के डॉक्टर एस एच भोसले इनके जादुई टच से फायदा उठाइए। छोड़ दिए आठ महीने कंटिन्यू तरह तकलीफ चालू थी। आठ महीने आठ साल दर्द दर्द परेशान कमर में बहुत परेशान है। तो कम नहीं हुआ? नहीं कम हो गया। फिर मैं गोली छोड़ दिए, गोले खा के बेजार हो गए, गोले भी छोड़ दिए। ओके हाँ। तो अभी जो डॉक्टर आए पुणे से डॉक्टर भोसले साहब, उनकी थेरेपी से कितने मिनट के अंदर आप दर्द मुक्त हो गए? मैं बोलते ना 10 मिनट में खत्म हो गए। 10 मिनट मुझे 8 साल का दर्द 10 मिनट में दर्द मुक्त। क्या क्या दर्द कम हो गया आपका? गुड़िया का कम हो गया, हाँ। ये कम्बर का, ये गर्दन का पूरा कम हो गया। पूरा कम हो गया, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं, हाँ। यानी 8 साल से जो दर्द था, हाँ। पूरा गायब हो गया। पूरा गायब हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कितने इंजेक्शन दिए अंदर? कुछ नहीं दिया। इंजेक्शन नहीं दिए? नहीं। दवा खिलाए? बहुत नहीं नहीं अंदर अंदर हो नहीं। अभी दवा खिलाई क्या डॉक्टर ने? दवा तो गोला वगैरह खिलाए? कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। इंजेक्शन नहीं, गोली नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनके थेरेपी से 8 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो गया। अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो आज पहली बार आप 8 साल के बाद वेदना मुक्त हो गए, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। और अच्छा होने के बाद तुम आंखों में आंसू भी आए आपके? आनंद आनंद है अश्रु, आनंद के अश्रु आए। आंटी क्या नाम आपका? जय श्री मोता। कहाँ से आए आप? परभनी। क्या क्या तकलीफ थी आपको? ये गुड़गा मान पीठ बहुत दर्द था। कितने साल से था? 5-6 साल से था, अभी तो उठने को नहीं आ रहा था। ये गुड़गे से इतना दर्द? 6 महीने हो रहे। 6 महीने से उठने नहीं आ रहा था, इतना दर्द था आपको? बहुत दर्द था, बहुत परेशान। गोलिया वो लेके परेशान हो गए। फिर मैं बोली गोले से कमी नहीं हो रहा। तो कितने डॉक्टर को दिखाया तुमने? 2-3 डॉक्टर को बताया। 2-3 डॉक्टर दिखाए, फिर भी कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ। तो अभी जो डॉक्टर है अपने पुणे से डॉक्टर भोसले साहब, हाँ। उनके थेरेपी से कितने मिनट के अंदर दर्द गायब हो गया? बहुत 10 मिनट में बहुत फर्क हो गया। पूरा फर्क हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया। अभी कुछ दर्द हो रहा है? रिलैक्स हो गया, कुछ भी दर्द नहीं। अभी एकदम रिलैक्स, हाँ। तो कितने साल का दर्द था बोले आप? 5 साल। और कितने मिनट के अंदर कम हुआ? 10 मिनट। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन कितने दिए गुड़गे में? कुछ भी नहीं दिए। कुछ भी नहीं दिए? नहीं। और दवा वगैरह कुछ खिलाए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं खिलाए? कुछ नहीं। और सिर्फ उनके थेरेपी से आपका 5 साल का दर्द 10 मिनट में गायब कर दिए? वाह वाह वाह, गुड। तो आपने जैसे बहुत सारे लोग परेशान है, वेदनाग्रस्त है, ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे? उन्हों भी ऐसे आने चाहिए यहाँ पे, बता लेना, थेरेपी कर लेना, बहुत अच्छा है। और वेदना से? वेदना से मुक्त हो जाए। तो आपको कैसा मालूम हुआ यहाँ पे कैंप चालू करके? मैडम हमारे कम अपने ऑफिस में जो मैडम है सुवर्ण मैडम, उन्होंने आपको बताया कि भाई कैंप है, डॉक्टर आने वाले। ओके, तो आपको ऐसा लगा था कि ऐसा हो सकता है करके? पहले आके देखेंगे, कम हो गए तो कम हो गए, भगवान की इच्छा बोल के हम निकल आए। तो अभी अच्छा हो गया? हाँ, हमको भगवान ही मिल गए यहाँ पे। गुड गुड, बहुत बढ़िया। अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि भाई यहाँ पे एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र चालू हुआ है, और यहाँ पे हर महीने को डॉक्टर भोसले साहब आते हैं, उनके थेरेपी से 100% वेदना मुक्त होते हैं। हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद पीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। एनरोल नाउ इन सैयद बायोलॉजिकल क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248।